हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जस्ट मैं अभी मार्केट गई थी और मैंने एक लिप कलर परचेज किया है। ये मैंने परचेज किया है L18 का, और इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे मन से ये कलर खरीदा था, और जस्ट क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लिप कलर्स का रिव्यू करिए या फिर किसी मतलब ब्रांड्स का रिव्यू करिए कि अगर हम परचेज करना चाहें तो क्यों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये जो कलर खरीदा था बहुत ही मन से खरीदा था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। फर्स्ट लव इसका जो है, और P27 करके है इसका, बहुत पसंद आया था जब मैंने, और आई थिंक आपको भी पसंद आएगा। ये आप कलर इसका देख सकते हैं, जब मैंने इसे हाथ पे लगाया तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। बहुत अच्छा लगा आपको, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और सच में बहुत प्यारा कलर है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ ये है कि जब आप इसे अपने लिप पे लगाओगे और उसके बाद जब आप स्माइल करोगे तो जितने नॉर्मल आपके जो टीथ हैं वो बहुत ही येल्लो लगने लगेंगे। जस्ट मैंने अभी विदाउट एक लिप कलर के पिक्चर क्लिक की, एंड देन उसके बाद एक लिप कलर लगा के पिक्चर क्लिक की, और थंबनेल में आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है कि जो मैंने विदाउट लिप कलर अपना लिप कलर लगाया उसमें मेरे जो टीथ हैं कितने साफ लग रहे हैं, लेकिन जो मैंने इसके साथ लगाया है वो कितने ही येल्लोइश लग रहे हैं। अगर आपने एक जिनके भी नई शादी हुई है, पारुल कुछ करके है, पारुल उनका भी अगर आप एक इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें उन्होंने सेम यही कलर लगाया है। और मैं जैसे भी देख रही थी और उनके, आप देखिए कितनी ज़्यादा येलो टीथ लग रहे हैं। अगर मुझे वो क्लिप मिलेगी तो मैं ऊपर इसमें इसको ज्वाइन कर दूंगी कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा येलो टीथ लग रहे हैं। तो जस्ट मैं आपको लाइव इसका करके दिखाती हूँ कि आपको भी समझ में आए। तो प्लीज़ ये कलर मत खरीदिएगा, मैंने खरीद के पैसे बर्बाद कर दिए हैं। ओके, ये मैंने अप्लाई किया। अब मैं अपने टीथ दिखाती हूँ। ये देखिए टीथ का कलर मतलब तुरंत चेंज हो जाता है। इसमें नो कट वीडियो है और मैं खुद बता नहीं सकती, इतना एम्बैरेसमेंट फीलिंग हो गया। अगर आपने ये लिप कलर लगाया और आपको इसके इस लिप कलर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपको कहीं जाना पड़ा तो इस चीज़ को शायद आप तो नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे लोग नोटिस करेंगे। जैसे कि मैंने भी वो जो एक्ट्रेस हैं उनको शायद नहीं नोटिस कर पाई, लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो आया न्यूज़ में तो उसके बाद लोगों ने उसे नोटिस किया। आप देख सकते हैं इसका लाइव, और विदाउट जो लिप कलर है वो उसका भी आप लाइव देख सकते हैं कि कैसा है। और क्योंकि पर्सनली मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ तो मुझे भी ये शेयर करना इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी मुझसे बड़ी सिस्टर्स भी हैं, बहुत सारी मेरी आंटी भी हैं, बहुत से लोग इसमें, बहुत सारी मेरी छोटी बहनें भी हैं जो मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं हर चीज़ का बिल्कुल सही रिव्यू दूँ। और हर चीज़ के पैसे नहीं मिलते हैं हर चीज़ के रिव्यू करने के, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जेन्युइन नहीं यूज़ करनी चाहिए, और मैं उसका भी रिव्यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इसका पैसा मिला है तो मुझे अगर इसका पैसा मिला होता तो ऑफकोर्स मैं इसकी बड़ाई नहीं करती। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं आप लोगों के साथ बायोटिक के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं कभी बड़ाई नहीं करती, मतलब बड़ाई करती हूँ विदाउट पैसे लेवे। तो जेन्युइन प्रोडक्ट जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, जो काफ़ी बुरे हैं उनकी मैं अच्छाई करती हूँ, जो नहीं अच्छे हैं उनकी मैं अच्छाई नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका लाइव, तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना। जस्ट मैं अभी लगा ही रही थी, ऊपर थी और मैंने सोचा कि जस्ट मैं लगा के देख रही थी और मुझे इसका ये इफेक्ट दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप गाइस ये मेरा आपका जो रिव्यू है छोटा सा बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जरूरी लगा होगा कि इस लिप कलर को आप ना खरीदें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको भर भर के लाइक करिएगा, और अगर मेरा चैनल पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।